हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा वीवो V20 प्रो 5G मोबाइल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया में 5G मोबाइल लॉन्च हो चुका है, तो वीवो ने भी अपना 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया है। इससे पहले वन प्लस ने 5G मोबाइल निकाल रखा है काफ़ी वेरिएंट में। वीवो ने 2 दिसंबर को वीवो का लॉन्च होने वाला है वीवो V20 प्रो 5G मोबाइल। तो अगर आप 5G मोबाइल लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप कोई भी नया मोबाइल आप 5G ही ले, वीवो ना लेके अगर आपको कोई और लेना है तो मैं उसके बारे में बता दूँ, 7 दिसंबर को मोटो जी भी लॉन्च होने वाला है, आप उसे भी ले सकते हैं। पर अब आप 5G मोबाइल ही लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, 3G से 4G में जाते समय 3G का स्पीड कम कर दिया गया था, तो उसी तरह ये 4G का स्पीड कम कर दिया जाएगा। तो आप अगर मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो 5G मोबाइल ही लें। काफ़ी कंपनियों ने 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया है। LG ने भी अपना 5G मोबाइल लॉन्च किया है, जिसका रिव्यू मैं कर दूंगा। और मोटो जी 7 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में अच्छा से डिटेल दे दूंगा। आज मैं आपको वीवो V20 प्रो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है कि 2 दिसंबर को आप इसे परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से 12 बजे। तो पहला तो ये था। और बात कर ले इसकी डिस्काउंट के बारे में, तो इसमें आपको 2000 का डिस्काउंट ICIC की तरफ से मिल जाएगी, और एक्सचेंज भी हो जाएगा, नो कॉस्ट EMI भी है। इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और बात करें इसके कैमरा के, तो इसका फ्रंट कैमरा जो है 44 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का है, मतलब दो में। और रियर में जो है थ्री कैमरे हैं, जो कि कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल है। तो कैमरा तो 64 मेगापिक्सल काफ़ी है, और फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा है 44 मेगापिक्सल। तो कैमरा के मामले में तो वीवो हमेशा टॉप में रहता ही है। और 5G मोबाइल है, और स्नैपड्रैगन है इसमें, और 5G का आप लोगों देख सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी मोबाइल लेना है तो आप ये ले सकते हैं, या फिर आप मोटो जी के लिए भी रुक सकते हैं। आप इसमें का देख सके दोनों में से कौन अच्छा है। इसका अभी तक रेट नहीं बताया गया, प्राइस नहीं बताया गया, तो 12 बजे में भी 2 दिसंबर को पता चल जाएगा। और बात करें मोटो जी का, तो उन्होंने बता दिया है 21,000 का है। तो चलिए आज आपको के आज के लिए अब वीवो V20 के लिए मैंने आपको बता दिया, और मैं 1-2 दिन में आपको मोटो जी का भी फुल डिटेल दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।